हाँ जी, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहित ढिंगरा, वेलकम अगेन टू अपेक्स इंस्टीट्यूट। सो अपेक्स इंस्टीट्यूट दी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस दे विच एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। सो जिवें कि तुहानू पता है, कल आपां एक इंपॉर्टेंट अपनी सीरीज स्टार्ट की सी, जो कि जोग्राफी की आपां कल एक क्लास लगाई सी, जिहदे विच आपां काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस डिस्कस किए सी, नाल नाल उन्हां दी आपां डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नू भी सुनिया सी। ठीक है, तो अज का सैशन भी तुसीं देख पा रहे हो, अज का अपना सैशन भी जोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सैशन है। सो अज की अपनी क्लास नंबर 2 है। सो ये भी आप डिस्कस करांगे। सो मेरा नाम है मोहित ढिंगरा, जो कि स्पेशली थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी पीटेट 82 एंड पंजाब के एग्जाम्स के लिए। ठीक है जी, सो देखते हैं अज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन की है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अज का अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द सोल्टीएस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड, यानी कि हेठ लिखे विचों केड़ी दुनिया की सब तो नमकीन झीलों विचों एक है, यानी कि इस खारापन बहुत ज़्यादा है, नमक सैलिनिटी बहुत ज़्यादा, वो केड़ी झील है, अरल सी, रेड सी, डेड सी या फिर कैसपियन सी। सो ये सैशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों भाषा के विच तुहानू सैशन देखने मिलेगा, इंग्लिश भी तो पंजाबी दे विच भी, जिदे विच कंफर्टेबल हो सो उस दे विच आंसर दिओ। दुनिया की सब तो वड्डी खारे पानी की झील केड़ी है? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, सो उम्मीद करदा तुसी सारे ने अपना आंसर देख लिया होगा। सो दुनिया की सब तो वड्डी खारे पानी की झील है, दैट इज डेड सी। ठीक है जी, सो मृत सागर इन बोलते हैं डेड सी, तो ये अप्रोक्सीमेटली 33% सैलिनिटी है, नमक है, सॉल्टीएस्ट है, दैट इज़ ये नमक बहुत ज़्यादा होंगे, नमक दैट इज NaCl। ठीक है, दैट इज डेड सी, मृत सागर बोलते हैं। मृत सागर इन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी जीव जंतु ये जिंदा नहीं रह सकता, तो जो कोई इंसान भी ये गिर जाता है तो डुबदा नहीं है, क्योंकि नमक इंसान को तैरन के हेल्प करता है। सो इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेड सी, मृत सागर इन बोलते हैं, वन ऑफ द सॉल्टीएस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो की है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ट्रांस हिमालयाज। सो ट्रांस हिमालयाज तो केड़ी नदी निकलती है, ओरिजिन आप दसना है, इंडस, सरस्वती, गंगा या फिर यमुना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जेडे अपने हिमालयाज है, सो हिमालयस का जो सब तो हाईएस्ट पार्ट है, इनू आप ट्रांस हिमालयस बोल देना, सब तो हाईएस्ट पार्ट ट्रांस हिमालयस। सो ट्रांस हिमालयस दे विचों केड़ी नदी निकलती है? दैट इज इंडस। इंडस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सिंधु नदी, इंडस रिवर। सो इंडस जी नदी है, ये बारे आप होर की पढ़ाया से, इसकी लेंथ आप याद की 2880 किलोमीटर, तो इंडिया के लेंथ कि दैट इज 1190 किलोमीटर। इस तो अलावा आप पढ़िया सी इंडस वाटर ट्रीटी, वेरी इंपॉर्टेंट, जिहड़ी इंडस वाटर ट्रीटी है वो केड़े दो देशों के विचकार है? ये है जी इंडिया एंड पाकिस्तान के विचकार। सो इंडिया के पाकिस्तान के विच हुई सी 1960 इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस तो अलावा सतलुज जी नदी है, ब्रह्मपुत्र जी नदी है, भी ट्रांस हिमालयस तो निकलती है। सो याद रखना है, एंड इंडस इट इज़ द लोंगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ ऑल्सो द लोंगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की भी सब तो लंबी नदी केड़ी है? दैट इज इंडस। तो सिंधु नदी, इंडस नदी वो नदी है जिदे किनारे अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी फली फुली सी। सो काफ़ी पुरानी नदी है, याद रखना है। यमुना, यमुना का तुम एक नाम याद रखना, इनू कालिंदी रिवर भी बोलते हैं, दैट इज यमुना, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ठीक है, एंड गंगा इज द लोंगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सब तो लंबी नदी है। ठीक है, दैट इज इन गंगा, क्लियर है? सो ट्रांस हिमालयस जो कि नदी निकलती है, दैट इज इंडस। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन देखो की है, अटल टनल इज अक्रॉस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज। सो अटल टनल जो कि दुनिया की सब तो वड्डी टनल है, जो कि मैक्सिमम हाइट पर है, अटल टनल। सो कि हिमालय की रेंज के विच है? ठीक है, रेंज आप दसनी है, जस्कर, वेस्टर्न पीर पंजाल, ईस्टर्न पीर पंजाल या फिर लद्दाख।
वेरी इंपॉर्टेंट। सोटल टनल जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल है अबव 10,000 फीट। सो 10,000 फीट की हाइट पर सब तो उच्ची टनल जी बनी हुई है अटल टनल, जिन्हों पर रोहतांग टनल भी बोलते हैं। सो जो कि रोहतांग पास दे रोहतांग टनल इन बोलते हैं, रोहतांग पास तो थले है, रोहतांग जी पास है रोहतांग दराव के नाल है। तो अटल टनल है जो आप मनाली तो ले जाने, मनाली तो ले उस हाईवे पर है अटल टनल। सो दैट इज़ इन द रेंज जो हिमालय की रेंज है वो कि ईस्टर्न पीर पंजाल। सो डी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ पूर्वी पीर पंजाल जी रेंज है हिमालय की, वो बनाई गई है अटल टनल जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद बनाई गई। सो इंपॉर्टेंट है जी, डी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। क्लीयर है सारे नूं? चलते नैक्सट क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दिओ। विच रिवर इज़ द टेहरी डैम बिल्ट? सो टेहरी डैम केड़ी नदी उत्ते बनया, अलकनंदा, भगीरथी, गंगा या फिर हुगली? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेहरी डैम केड़ी नदी उत्ते बनया। सो टेहरी डैम जड़ा है इट इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। सो हाईएस्ट डैम इन इंडिया, इंडिया सब तो हाईएस्ट डैम है दैट इज टेहरी डैम, केड़ी नदी उत्ते बने है? ये बने जी भगीरथी नदी के उत्ते। सो भगीरथी इज द करैक्ट आंसर, दैट इज बी ऑप्शन। टेहरी डैम भगीरथी नदी उत्ते बने हाईएस्ट डैम इंडिया का, जो कि टेहरी एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वाल टेहरी गढ़वाल जो कि उत्तराखंड के विच है, ये भी आप याद रखना है टेहरी डैम। सो इंपॉर्टेंट है, हुगली नदी के किनारे केड़ा शहर है? दैट इज कोलकाता एंड हावड़ा, हावड़ा ते कोलकाता दोनों हुगली नदी के किनारे है। गंगा के किनारे है पटना एंड अलकनंदा, ये भी नदी है अलकनंदा ते भगीरथी, दोनों नदियाँ कितने मिलती हैं? ये मिलती हैं देवप्रयाग दे विच, ये भी आप याद। सो देवप्रयाग दे विच केड़ी दो नदियाँ मिलती हैं? दैट इज अलकनंदा एंड भगीरथी। सो अलकनंदा ते भगीरथी दोनों नदी मिलकर केड़ी नदी बनाती है? गंगा। सो ये है जी भगीरथी रिवर एंड दूसरी है जी अलकनंदा रिवर। सो दोनों नदियाँ कितने मिलियाँ? इतने मिलियाँ, ये जगह का नाम है देवप्रयाग, तो उस तो बाद इतने केड़ी नदी बन जाती है? दैट इज गंगा। क्लीयर है? सो ये रूट है, क्लीयर है। चलते नैक्सट क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन देखो की है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करैक्टली मैच? सो कि गलत मैच आप दसना है? वर्ल्ड इनवायरमेंट डे 5 जून, अर्थ डे 22 अप्रैल, एंटी टबैको डे 5 मई या ओजोन डे 16 सितंबर? सो कि गलत है, सही मेल नहीं खाता पाओ दसना। हाँ जी, सो इंपॉर्टेंट अपना क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। देखो फर्स्ट की है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कदों मनाया जाता है? 5 जून, बिल्कुल ठीक है। अर्थ डे कदों मनाया जाता है? 22 अप्रैल, बिल्कुल ठीक लिखे हुए। एंटी टबैको डे कहते 5 मई मनाया हुआ, गलत लिखा। सो आप गलत ही दसना सी, सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, एंटी टबैको डे। सो एंटी टबैको डे मनाया कदों जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई न। सो 31 मई हर साल मनाया जाता है एंटी टबैको डे, तंबाकू की रोकथाम रोकने लिए डे मनाया जाता है। तो ओजोन डे कदों मनाया जाता है? 16 सितंबर, ये भी बिल्कुल ठीक है, है ना। ओजोन, ओजोन का जोड़ा फॉर्मूला है दैट इज O3, है ना। ओजोन लेयर आपको कितने देखने मिलती है? ये मिलती है जी स्ट्रेटोस्फीयर के, ये भी याद रखना है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ओजोन डे 16 सितंबर, लेकिन गलत मैच केड़ा सी? एंटी टबैको डे 5 मई, 5 मई गलत हो जूगा, 31 मई मनाया जाता है एंटी टबैको डे। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, क्लीयर है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन की है एंडेंजर्ड स्पीसीज आर लिस्टेड इन डैश। सो जेड़े भी सूचीबद्ध लुप्त हो रही किस्मां है इन्हों कितने भी जेड़े एंडेंजर्ड है जिन्होंने खतरे के निशान पर मतलब जेड़े कदे भी लुप्त हो सकते हैं दुनिया तो उन्होंने केड़ी बुक के रखा जाता है? डेड स्टॉक बुक, रेड डेटा बुक, लाइव स्टॉक बुक या फिर नन ऑफ दिस?
सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि लुप्त हो रही किस्मां, इन्हां नूं रखिया जांदा है जी रैड डेटा बुक दे विच, यानी कि खतरे का निशान है, खतरे का सिंबल वैसे भी लाल होंदा है। सो बी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ रैड डेटा बुक। इहदे विच जिहड़े भी जीव जंतु, जिहड़े भी प्लांट्स, जिहड़े भी एनिमल्स, जो भी फंगस कोई दुनिया चो विलुप्त हो रही है, सानू रेड डेटा बुक दे विच रखे आंदा है। सो इस बुक नू पब्लिश किया जाता है, इट इज़ पब्लिश्ड बाय IUCN। सो इंपॉर्टेंट एक संस्था है IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, so ये फुल फॉर्म है IUCN दी, ये भी तुसी याद रखना है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यही संस्था है जो रेड डेटा बुक में पब्लिश कर दी है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दे, सेवंथ, नेम द लोंगेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। सो यूरोप जिहड़ा कॉन्टीनेंट है, महाद्वीप है, उहदी सब तो लंबी नदी आपां दसनी है किहड़ी है, रोन रिवर, शेनॉन रिवर, टैगस रिवर या फिर वोल्गा रिवर। सो यूरोप दी सब तो लंबी नदी किहड़ी है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरोप दे बहुत सारे देशों दे विच पास करती है। तो यूरोप की सब तो लॉन्गेस्ट नदी बन जाती है, ये कि नदी है, दैट इज वोल्गा रिवर। सो वोल्गा जी नदी है यूरोप की सब तो लंबी नदी है, ये जी लेंथ है, सो लेंथ कि 3531 किलोमीटर, सो 3531 किलोमीटर की लेंथ है वोल्गा नदी, दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन का आंसर दो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज गंगेस ऑफ इटली। सो केड़ी नदी नू इटली दी गंगा कहा जाता, पो रिवर, वोल्गा रिवर, सीन रिवर या फिर डेन्यूब रिवर। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो गंगा ऑफ इटली, सो गंगा ऑफ इटली किनू कहा जाता है, कहा जाता है पो रिवर। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पो रिवर। पो रिवर की है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इटली। सो इटली की सब तो लंबी नदी है, तो यदि लेंथ है जी है 652 किलोमीटर, 652 किलोमीटर यदि लेंथ है। इटली जोड़ा देश है सब तो लंबी नदी है, दैट इज पो रिवर, तो इनू बोलिया जाता है गंगा ऑफ इटली, इटली की गंगा बोलिया जाता है। सो इटली जोड़ा एक यूरोपियन देश है, इटली की कैपिटल की है, दैट इज रोम, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो सीन नदी के किनारे अपन क्वेश्चन पूछा जाता है किड़ा शहर है, सो सीन नदी के किनारे पेरिस जोड़ा शहर है जो कि फ्रांस की कैपिटल है, वो सीन नदी के किनारे है, ये भी अपना याद रखना है। सो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज पो रिवर, इनू बोलते हैं गंगा ऑफ इटली। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दे, नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नैशनल पार्क ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का पहला नैशनल पार्क किड़ा सा, दैट इज बंदीपुर नैशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क, पेरियार नैशनल पार्क या फिर वेला वडार नैशनल पार्क। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का पहला नेशनल पार्क, सो ये कड़ा सी, दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का सब तो पहला नेशनल पार्क है एंड इंडिया का सब तो ओल्डेस्ट, इंडिया का सब तो पुराना नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है। कितने है ये, है जी नैनीताल के, नैनीताल कितने है, दैट इज इन उत्तराखंड, उत्तराखंड है। एक यदा पुराना नाम आपको पूछा जाता है, बट इज़ द ओल्ड नेम, यदा ओल्ड नेम की सी, इनू पहला बोलते सी हैलेस नैशनल पार्क, ठीक है जी। सो पहला इनू की बोलते सी, दैट इज हैलेस नैशनल पार्क, लेकिन बाद दे विच इहदा नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क रखा गया। तो जिम कॉर्बेट एक परसन का नाम सी, हंटर सीगा, कंजरवेशनलिस्ट सीगा, इनवायरमेंट प्रोटेक्शन लिए काम करता सी,
ਸੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਪਹਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰਸ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਦ ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮੂਨ ਐਂਡ ਅਰਥ ਸੋ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ 384,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 260,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 540,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 576,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਦ ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮੂਨ ਐਂਡ ਅਰਥ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੂਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 384,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਨ ਕੀ ਹੈ ਮੂਨ ਇਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਮੂਨ ਅਤੇ ਮੂਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੂਨ ਸੋ ਮੂਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਨੋਲੋਜੀ ਸੋ ਸੈਲੀਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੂਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਰਥ ਕੀ ਆਪਣੀ 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਲੈਨਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੈਨਟ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਲਿਊ ਪਲੈਨਟ ਸੋ ਬਲਿਊ ਪਲੈਨਟ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥ ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਮੂਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 384,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ ਸੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰਥਕੁਏਕ ਵੇਵਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਬਲ ਤੋਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੁੰਬਕਤਾ ਤੋਂ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੋਲਕੇਨੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਸੋ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਦੋਂ ਫਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਗੈਸਿਸ ਲਾਵਾ ਮੈਗਮਾ ਅੱਗ ਹੀਟ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੋਲਕੈਨੋਸ ਤੋਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਦ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਥਰੂ ਵਿੱਚ ਬੋਥ ਦਾ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੋਨ ਪਾਸ ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਮਕਰ ਦੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂ ਮੱਧੇ ਰੇਖਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਏਟਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ ਇਕਲੌਤਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਏਸ਼ੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਫਰੀਕਾ ਸੋ ਅਫਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਕਲੌਤਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਅਫਰੀਕਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟੀਨੈਂਟ according to area and population that is Africa yani ki dekho kshetrafal de aadhar te jansankhya de aadhar te dusre number te sab to vadda planet keda hai sorry continent keda hai that is Africa te pehle number te keda si Asia te kshetrafal de aadhar te jansankhya de aadhar te dono de aadhar te sab to vadda keda hai Asia te dooje number te sab to vadda keda hai that is Africa ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਫਰੀਕਾ
फिर अफ्रीका का दूसरा नाम क्या डार्क कॉन्टीनेंट, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों ही इन्हों विचों पास करती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन थे, 13th है, द सांबर लेक इज लोकेटेड इन। सांबर लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, कितने, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द सांबर लेक की है लार्जेस्ट इनलैंड, लार्जेस्ट इनलैंड, इनलैंड का मतलब है जिहड़े आसे पासे धरती होंदी है विच लेक होंदी है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक, खारे पानी की झील इंडिया के सब तो वड्डी इनलैंड वो कि सांबर लेक, ये कितने अपन देखने को मिलती है, यह है जी राजस्थान में। सो डी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल की है जी जयपुर, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गुजरात की कैपिटल है जी गांधीनगर, एंड मध्य प्रदेश की कैपिटल की है भोपाल। सो क्लियर है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राजस्थान। चल द नेक्स्ट क्वेश्चन दे 14th, विच कॉन्टीनेंट इज द वर्ल्ड डज नॉट हैव ए डेजर्ट। सो केड़ा महाद्वीप है, दुनिया के विच केड़े महाद्वीप दे विच मारुथल नहीं है। सो इत्थे कहंदे कोई भी डेजर्ट या मारुथल नहीं है वो केड़ा है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया या फिर नॉर्थ अमेरिका। सो इत्थे कोई भी डेजर्ट नहीं है, रेगिस्तान ही नहीं है। सो केड़ा इकलौता कॉन्टीनेंट है, ए है जी यूरोप। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज यूरोप। इकलौता कॉन्टीनेंट है, इकलौता महाद्वीप है जिहदे विच कोई भी डेजर्ट नहीं है। क्लियर है, सो चलते अपने अज के लास्ट क्वेश्चन पर। सो अज के सैशन का अपना लास्ट क्वेश्चन है, द टर्म रेगुर इज यूज टू मीन। सो रेगुर कि नाम है, लेटराइट सॉयल द, डेल्टिक सॉयल द, ब्लैक कॉटन सॉयल द या फिर रेड सॉयल द, रेगुर। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेगुर होर किनू बोलते हैं। सो रेगुर बोलते हैं जी ब्लैक कॉटन सॉयल। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल, द दूसरा नाम क्या है रेगुर। सो ब्लैक कॉटन सॉइल इज बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। सो कॉटन ही सब तो ज़्यादा फलदायी होंगी है ब्लैक सॉइल। वैसे तो देखो ये सही नाम क्या है ब्लैक सॉइल, लेकिन अपन पता है जी काली मिट्टी है ये कॉटन के लिए कपाह ही सब तो ज़्यादा जरूरी होंगी है, फर्टाइल होंगी है। सो इस करके इसनों ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल दिता जाता है, तो एक होर नाम की है इनू रेगुर भी बोलते हैं। सो याद रखना है ब्लैक कॉटन सॉइल। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलो सो ईसी अस अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो सैशन तो क्लास सारे अच्छी लगी तो सैशन हमने ही लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सबसक्राइब कर दो, ठीक है जी। सो अपेक्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल सारे सबसक्राइब कर लो जिन्होंने सबसक्राइब नहीं किया, ताकि इसे तरीके नाल तुहानू सारियां वीडियोज़ मिलते रहें, ठीक है जी। तो सैशन नू प्लीज़ लाइक कर दिओ, यही एक हैल्प है जो तुसीं मेरी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट दे विच, अज दे लई इन्ना ही, टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।